अतः बोअज ने रूथ को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी बन गई और वह उसके पास गया और यहोवा की दया से उसने गर्भ धारण किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने आज तुझे छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध हो और वह तेरे जी में जी ले आने वाला और बुढ़ापे में तुझे सहारा देने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और तेरे लिए सात बेटों से भी श्रेष्ठ है, उसी ने उसे जन्म दिया है। तब नाओमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में रख लिया और उसकी धाय बन गई। और पड़ोसी स्त्रियों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, बच्चे का नाम चुना। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। यही यिशै का पिता और दाऊद का दादा हुआ। पेरेस की वंशावली इस प्रकार है। पेरेस से हिस्रोन, हिस्रोन से एराम और एराम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ।